नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं स्कोडा कुशक के बारे में, जो कि काफ़ी हॉट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है आजकल इंटरनेट पे। और मैंने इस पर कल भी वीडियो डाली थी और एक और वीडियो डाली थी जो कि इसके इंजन ऑप्शंस के बारे में थी, वो भी आपको लिंक पे मिल जाएगी। और जो कल डाली थी जो हाइलाइटेड फीचर्स हैं इस कार के, वो भी आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्या इसके पॉजिटिव्स हैं, क्या इसके नेगेटिव्स हैं, उनके बारे में, क्योंकि हम बिल्कुल भी बायस्ड नहीं है कुछ साइट्स की तरह। मैंने देखी काफ़ी साइट्स बहुत ज़्यादा बायस्ड हैं, या तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं या फिर बिल्कुल इसके साथ हैं। और जो हाइलाइटेड फीचर्स थे, मैंने उन्हीं वेबसाइट्स जो इसके हाइलाइटेड फीचर्स की वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे थे जो इसकी तरफ मुझे बायस्ड लगे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वाली वीडियो भी डाली जाए अपने चैनल पे। तो उसी वीडियो के साथ मैं सबसे पहले हम पॉजिटिव्स की बात करेंगे। और जो सबसे पहले पॉजिटिव बात आती है इसमें, एक ड्राइविंग डिलाइट आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी ड्राइविंग क्वालिटी आपको देखने मिलेगी, जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है वो आपको अच्छे देखने को मिलेंगे इस कार में। अब हमने अभी तक ड्राइव करी नहीं है और ये ऑन रोड अभी तक आई भी नहीं है, क्योंकि अब जब भी आएगी ऑन रोड पे तब तो आपको देखने को मिलेगा ही। लेकिन अभी तक अगर आप फॉक्सवैगन और स्कोडा, जो कि ऑलमोस्ट आप एक ही लगा लो, तो क्योंकि फॉक्सवैगन में ही स्कोडा आती है, अगर आप इन दोनों कार्स की डायनामिक्स देखो तो आपको काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी के देखने को मिलेंगे। जो सस्पेंशन की बैलेंसिंग की जाती है और जो व्हील अलाइनमेंट होता है, और बहुत ज़्यादा स्टेयरिंग कंट्रोल होता है आपके पास, और जो स्टेयरिंग कंट्रोल होता है आपके पास, जितना स्टेयरिंग हार्ड चाहिए उतना मिलेगा, और जितना आपको सिटी में थोड़ा सा लूज चाहिए, बहुत हल्का चाहिए, लाइट वेटेड चाहिए, वो आपको उस टाइम पे मिलेगा। लेकिन हाईवेज पे वहीं आपको एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव स्टेयरिंग देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें एक फॉक्सवैगन और स्कोडा की कार को काफ़ी बेहतरीन बना देती हैं। तो वही हमें क्वालिटी इसमें देखने को मिल सकती है, और जो कि एक्सपेक्टेड भी है फॉक्सवैगन और स्कोडा की कार से। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव रिव्यू है इसका। अब फिर से एक और जो स्कोडा और फॉक्सवैगन का एलिमेंट इसमें आ जाता है, एक फिट एंड फिनिश क्वालिटी आपको इंटीरियर्स में देखने को मिलेगी। और जो बिल्ड क्वालिटी है वो तो ऑब्वियसली स्कोडा और फॉक्सवैगन की फैबुलस है ही। अब पॉजिटिव्स की बात है तो हम इसमें अच्छे ही फीचर्स की बात करेंगे ऑब्वियसली। तो कुछ फीचर्स जो मैंने आपको कल की वीडियो हाइलाइटेड फीचर्स में बताए थे, वो भी मैं आपको सेफ्टी फीचर्स बता दूं, जैसे कि 6 एयरबैग्स और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सारे जो सेफ्टी फीचर्स हैं ये इसमें इंक्लूडेड हैं ही। तो ये इसका एक और पॉजिटिव स्कोडा की ही जो ब्रांडिंग है अभी तक, और जो अभी तक उसके प्रोडक्ट्स थे हिस्ट्री में, वो इसे एक पॉजिटिव रिव्यू देते हैं। अब सेफ्टी फीचर्स की बात हो रही है तो नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट आता है वो है, बहुत ज़्यादा फीचर लोडेड कार है। आपको ऐसा नहीं है कि अगर बिल्ड क्वालिटी अच्छी दे रही है तो फीचर्स में कहीं लैक करेगी, वही जो कॉम्पिटिटर्स अच्छे फीचर्स दे पा रहे हैं वो तो मिलेंगे ही आपको, सारे ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं जो कॉम्पिटिटर कार होती हैं उनमें, लेकिन जो एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स होते हैं वो भी आपको अवेलेबल होंगे इसमें। अब हर कार में कुछ ना कुछ अलग होता ही है, एक दो फीचर अलग होते हैं, तो वो आपको अच्छे देखने को मिले। अब ये 3 वेरिएंट्स में आएगी और जो स्टैंडर्ड फीचर्स होंगे वो तो सब में अवेलेबल होंगे ही, लेकिन जो इसका टॉप वेरिएंट होगा उसमें कुछ अच्छे फीचर्स की बात अगर हम करें तो LED हेडलाइट्स आपको देखने को मिलेंगी, देन 17-inch अलॉय व्हील्स आपको, जो कि काफ़ी बड़े हैं, 16 जो क्रेटा में मिलते हैं आपको, 17 आपको देखने को मिलेंगे। फिर वही वेंटिलेटेड सीट्स और पार्किंग सेंसर्स इन द फ्रंट रियर तो होते ही हैं, फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर्स, और फिर इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कारप्ले ऑटो, एंड्रॉयड ऑटो, ये सब आपको देखने को मिलेगा टॉप वेरिएंट। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में है। अब इंफोटेनमेंट सिस्टम की जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे तो छोटा है, देखो साइज़ में बेशक छोटा है, लेकिन मुझे कभी भी साइज़ मैटर नहीं करता, स्पेशली इंफोटेनमेंट सिस्टम में। इंफोटेनमेंट सिस्टम की क्वालिटी अच्छी है, जैसे कि टच स्क्रीन अच्छी है उसकी, या फिर स्पीकर्स अच्छे हैं उसके, और उसमें और भी बहुत सारे फीचर्स अगर आपको देखने को मिल जाते हैं तो उसमें साइज़ मैटर नहीं करेगा आपको। जैसे कि 10-inch स्क्रीन आने वाली है आपको स्कोडा की कुशक में, और क्रेटा वगैरह में थोड़ी बड़ी है, 10. सेल्टॉस में भी बड़ी है, 10.25 इवन, तो बेशक आपको कुशक में छोटी मिलेगी, लेकिन जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और टच एक्सपीरियंस मिलेगा, मतलब टच स्क्रीन होगी,
कितना रिस्पॉन्सिव होगा वो, और स्पीकर्स के ट्विटर्स के कितने अच्छे साउंड क्वालिटी होगी, जर्मन मेड होगी ऑब्वियसली, अब वो कितना अच्छा होगा वो तो खैर देखने पे ही पता चलेगा। लेकिन अब ये स्कोडा की तरफ से है तो ये एक्सपेक्टेड है कि अच्छी ही क्वालिटी हमें देखने को मिलेगी। अब जैसा कि मैंने ऑटो एक्सपो में भी देखा था, जो अंदर से प्रीमियम क्वालिटी थी वो तो थी ही, बेशक उसमें एलिमेंट्स कम थे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ अभी, जैसे हमें स्टेयरिंग व्हील मिलता है, हमें ये पार्ट उसमें देखने को नहीं मिलता, ये जॉइंट होता है जो, लेकिन जो उसकी प्रीमियमनेस थी ना वो इससे कई ज़्यादा थी। ऑब्वियसली ये तो उससे थोड़ा लोअर सेगमेंट है, लेकिन स्टिल अगर आपको प्रीमियम कार चाहिए और अगर आप पे कर सकते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा सर्विस वगैरह में, क्रेटा वगैरह से, तो बेशक आपको स्कोडा की तरफ जाना चाहिए। लेग रूम आपको इसमें बड़ा देखने को मिलेगा। अब पीछे जो है, अगर आप उन लोगों में से हो जो ड्राइवर प्रेफर करते हो और एक या फिर दो ही लोग ड्राइव करते हो मोस्टली, तो आपको लेग रूम काफ़ी अच्छा लगेगा। इसका विड्थ इतनी बड़ी नहीं है तो आप ज़्यादा लोगों को नहीं बिठा सकते, ऑल दो एडल्ट और एक चाइल्ड आ सकता है, फिट हो सकता है अंदर बेशक, लेकिन अगर आप तीन एडल्ट जाओगे और लॉन्ग जर्नी है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि विड्थ थोड़ी सी कम है। अब कितनी कम है वो तो ऑन रोड ही पता चलेगा कि कितना हमें देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम नंबर्स को कंपेयर करें तो आपको कम ही देखने को मिलेगी विड्थ। लेकिन लेग रूम बड़ा है इसका क्योंकि व्हील बेस इसका बड़ा है और कॉम्पिटिटर्स से, तो आपको लेग रूम देखने को ज़्यादा मिलेगा, चाहे वो लेग रूम बूट स्पेस थोड़ा सा कम करके बनाया गया हो। अब देखो, पॉजिटिव्स हैं तो नेगेटिव्स भी हैं, अगर आप इन सिर्फ पॉजिटिव्स को देख के जा रहे हो कार बाय करने के लिए तो थोड़ा सा नेगेटिव्स भी सुन के थोड़ा सा वेट कर लो। तो सबसे बड़ा जो नेगेटिव है इसकी, जो मेन कॉम्पिटिटर्स जैसे सेल्टोस या फिर क्रेटा की जो ह्यूंडई कंपनी है, उसका काफ़ी ज़्यादा बैंडविड्थ है इंडिया में और काफ़ी ज़्यादा डीलर्स हैं अवेलेबल और काफ़ी बड़ा सर्विस नेटवर्क आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया में। लेकिन स्कोडा का, ऑल दो उसकी कार्स आ रही हैं इंडिया में धीरे धीरे, अच्छी कार्स अवेलेबल हो रही हैं, प्रीमियम कार्स आ रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक इम्प्रूवमेंट का अभी भी इन्होंने स्पेस थोड़ा सा छोड़ा हुआ है। बेशक कम कार्स आती हैं लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट का स्कोप अभी भी है, तो ये इम्प्रूव कर सकती हैं और कितना होगा कब तक होगा वो देखने को आपको मिलेगा जल्द। अभी ह्यूंडई की जितना आपको रिलायबल इनका सर्विस नेटवर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो, जो सेकंड पॉइंट है वो हर बायर के लिए नहीं है नेगेटिव। अगर आपको ऑटोमेटिक ही चाहिए और वो भी DCT या DSG जैसे वेरिएंट्स में, ट्रांसमिशन गियरबॉक्स में, तो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप DSG में जाते हो, उसमें जैसे कि हमें क्रेटा वगैरह में DCT देखने को मिलता है, तो इसमें DSG देखने को मिलता है ट्रांसमिशन। अगर आपने मेरी पहले वाली ट्रांसमिशन और इंजन बॉक्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं, मैंने उसमें बताया कि DSG ट्रांसमिशन आपको ऑटोमेटिक की तरफ से देखने को मिले, ठीक है। तो DSG में डायरेक्ट शिफ्ट गियर्स होते हैं जो, वो थोड़ा सा रिलायबिलिटी उनकी कम हो जाती है। अब पोलो और एक और जो स्कोडा की कार है उसमें से BS6 में से रिमूव कर दिया गया है DSG को, तो अब इस कार में कितना रिलायबल रहेगा ये हमें देखने को नहीं पता अभी तक। और अगर आपको DCT जैसे या DSG वेरिएंट चाहिए आपको, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रॉब्लम आ सकती है और रिलायबिलिटी इशू कस्टमर्स में रहेगा हमेशा कि कितने टाइम तक हम इस DSG को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी स्कोडा ने जब BS6 इंजन्स आए थे तभी ये DSG का पोलो में से हटा दिया गया था और एक और कार थी स्कोडा की उसमें से इंडिया में DSG हटा दिया था, पता नहीं क्यों हटाया। रिलायबल इशू तो रहेगा ही, अब कस्टमर्स को इतना फेथ नहीं रहेगा, वो लोग फिर DCT पे जाएंगे क्रेटा वगैरह की पे। अब जो इसका एक और नेक्स्ट पॉइंट आता है नेगेटिव्स में, मैंने अभी अभी आपको बताया था जब मैं आपको इसका लेग रूम के बारे में बता रहा था पॉजिटिव, तभी मैंने आपको बताया था कि इसमें हेड रूम और शोल्डर रूम, मतलब विड्थ और जो इसकी हाइट है वो और कॉम्पिटिटर से थोड़ी सी छोटी है। अब ऑन रोड तो कह रही है मेन पॉइंट पता चलेगा कितना छोटा है और कितना फ़र्क हमें एक्चुअल में पता चलता है, क्योंकि नंबर्स आर जस्ट नंबर्स, प्रैक्टिकल लाइफ में वो कितना सही मायने में रखता है वो हमें देखने को प्रैक्टिकल लाइफ या फिर ऑन रोड पे ही पता चलेगा।
तो जो विड्थ या फिर शोल्डर रूम आप कह सकते हो वो दो लोगों के लिए ही अच्छा है, एडल्ट्स के लिए चाइल्ड मैंने जैसा आपको पहले बताया आ सकता है इसमें। और हेड रूम भी छोटा है क्योंकि विड्थ जो सॉरी लेंथ जो है इसकी वो कम। देखो अगर आप सिंपल बंदे हो तो ये वाला जो अगला नेगेटिव पॉइंट है तो आपको इस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो स्कोडा है और फॉक्सवैगन जैसी कंपनीज हैं और ये सिंप्लिसिटी पे ज़्यादा ध्यान देती हैं देन जो और फीचर्स होते हैं इसके। अब देखो नेगेटिव एक और जो है इसमें, ये बेशक इसमें स्पेस रूम और ये जो भी लेग रूम तो है ही अच्छा, लेकिन शोल्डर रूम और हेड रूम जो इसमें थोड़ा सा कम है उसके साथ साथ ये थोड़ी सी छोटी भी दिखेगी आपको लेंथ वाइज या फिर विड्थ वाइज या फिर अगर आप हाइट वाइज बात करो तो आपको ये दिखने में भी छोटी लगेगी। तो ये भी एक इसका नेगेटिव है कि रोड प्रेजेंस बेशक स्टाइलिश कितनी हो लेकिन अगर थोड़ी सी छोटी लगेगी तो क्या फ़ायदा। और व्हील बेस को छोड़ के इसमें सारी ऑलमोस्ट सारी जो डायमेंशंस है वो छोटे देखने को मिलेंगे आपको। और जो मेन बात मैंने कहा था कि लेग रूम इसमें आपको बड़ा देखने को मिलेगा लेकिन उसमें बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा हो गया कि जो किया सोनेट जो कि सब कॉम्पैक्ट से निकल के सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी में आती है ये उससे भी कम देखने को मिलेगी आपको। तो ये तो कुछ अच्छी बात नहीं है और ये थोड़ा सा बड़ा नेगेटिव है अगर आपको कहीं बाहर टूर्स पे जाना है और आपके पास बहुत ज़्यादा लगेज है तो आप कहाँ रखोगे उसे। आप एक एसयूवी ले रहे हो और बेशक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है लेकिन आप एसयूवी ले रहे हो उसमें आप सामान या लगेज अच्छे से नहीं रख पा रहे हो तो क्या फ़ायदा। अब देखो किन लोगों को इसके लिए वेट कर लेना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाय कर लेना चाहिए, किन लोगों को वेट कर लेना चाहिए जिन्हें एक प्रीमियम और ड्राइव के लिए कार चाहिए, अच्छी ड्राइव है इस रेंज में चाहिए, एसयूवी में चाहिए जो कि मिड कॉम्पैक्ट एसयूवी जो भी है ये उसमें चाहिए, तो आप बेशक इसके लिए वेट करो अगर आपको ड्राइव वगैरह अच्छी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है भाई बूट स्पेस मुझे चाहिए और विड्थ वगैरह चाहिए हाइट चाहिए तो ये मुझे नहीं लगता कि आपके लिए बनी है, फिर क्रेटा या सेल्टोस की तरफ आप ध्यान दे सकते हो। लेकिन अगर आपको एक अच्छी ड्राइव चाहिए, स्मूथ ड्राइव चाहिए, इंजन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो उसका और स्कोडा फॉक्सवैगन की सर्विस चाहिए आपको जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, थोड़ा सा इसमें मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जो आउटर सिटीज़ हैं दिल्ली से या मुंबई से जहाँ पे मतलब टीयर 3 टीयर 2 सिटीज़ अगर आप लगाओ तो उसमें इतना अच्छा आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा सर्विस का भी इवन, लेकिन अगर आप टीयर 1 सिटी में रहते हो वहाँ पे सर्विस वगैरह थोड़ी ढंग की आपको मिल जाएगी स्कोडा और फॉक्सवैगन वगैरह की तरफ से, ठीक है। और ह्यूंडई जितना सर्विस नेटवर्क तो खैर इसका हो ही नहीं सकता कभी भी अभी के लिए, तो देखो अब वेट कर लेना चाहिए अगर आपको एक ड्राइविंग के लिए कार चाहिए और स्मूथ कार चाहिए ऑफ कोर्स, सस्पेंशन वाइज हैंडलिंग वाइज सब कुछ आपको एयर डायनेमिक्स सब कुछ अच्छे चाहिए तो वेट कर लो थोड़ा सा, देख लेते हैं कैसी है ऑन रोड कैसी है। अभी तो ये सारी बातें सिर्फ र्यूमर्स और न्यूज़ चैनल्स पे की जा सकती है, ऑन रोड हमें बाद में ही देखने को पता चलेगा। और एक न्यूज़ या ऑटोमोबाइल रिपोर्टर को या जर्नलिस्ट को कभी भी रिकमेंड नहीं करनी चाहिए कार, जस्ट सजेस्ट कर सकते हो आप कि आप अपनी लिस्ट में इसे बना के रखो, आप इसे कंसीडर कर सकते हो, बस उसे ही इतना कहना चाहिए, इससे ज़्यादा उसे नहीं बढ़ना चाहिए। फिर वो कस्टमर के लिए होना चाहिए कि कस्टमर उसे एक्चुअल में कितना देखता है, कितनी नॉलेज एक्वायर करता है ताकि जब वो ड्राइव करे तो उसके पास एक पीस ऑफ माइंड हो एटलीस्ट कि मैंने चॉइस किया था, मैंने किसी की सुनी नहीं थी, तो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी मेरी है। थैंक यू, बस इतना ही, सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको पसंद आया हो तो।